हर साल मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं होली के कुछ समय के बाद, जिसमें लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे वहम आ गए हैं, मतलब वो दूसरों पर शक करने लगे हैं, उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कोई आत्मा घुस गई है या उनके पास कोई बहुत सुपरनेचुरल पावर्स आ गई हैं, कुछ ताकतें आ गई हैं और वो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के काफी सारे वहम और काफी डिल्यूजन्स जो हैं, और इसी के साथ कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स भी कुछ लोगों में देखे जाते हैं, स्पेशली होली के कुछ टाइम बाद। अब होली का इससे क्या कनेक्शन है? जब इन लोगों की हिस्ट्री में जाया जाता है तो पता चलता है कि इन लोगों ने भांग कंज्यूम की थी, इन्होंने भांग गांजा का सेवन किया था होली के दिन। पर भांग और गांजा तो बहुत सारे लोग लेते हैं, पर कुछ लोगों में अक्सर इस भांग और गांजे की वजह से साइकोटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब स्किजोफ्रेनिया की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है, या ये कहें कि स्किजोफ्रेनिया ट्रिगर हो जाता है, उसका एपिसोड हो जाता है। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने या तो कभी शायद भांग या गांजा का सेवन ना किया हो, या इन्होंने किसी त्योहार पर या किसी ओकेजन पर जरूरत से ज्यादा भांग या गांजे का सेवन कर लिया हो। ऐसे में उनके दिमाग में कुछ इस तरह का असर आता है कि उनको साइकोटिक एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स। ये वीडियो क्योंकि मैं होली पे शूट कर रहा हूं इसलिए मैंने होली का एग्जाम्पल दिया, पर आमतौर पर भी जो लोग कैनेबिस, मैरिजुआना, भांग, गांजा इसको रेगुलरली लेते हैं, उनमें स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ा रहता है। और बहुत सारे शोध ऐसा बताते हैं कि अगर युवावस्था में भांग या गांजे का लगातार सेवन किया गया हो और किसी वजह से ज्यादा क्वांटिटी में किया हो, या तो लगातार ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं या किसी एक दो ओकेजन्स पर भी अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाए, तो उसकी वजह से आने वाले कुछ समय में स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाता है, साइकोटिक एपिसोड्स का रिस्क बढ़ता है। कुछ लोगों में तो ये असर एकदम देखने में आता है, तो कुछ लोगों में धीरे 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 मानसिक संतुलन बिगड़ता है और करीब महीने, 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा कहें तो 4 से 6 महीने के अंदर उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्किजोफ्रेनिया का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में उन्हें लंबे समय तक साइकाइट्रिक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। और ये अनुभव केवल मेरा नहीं है, बहुत से डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं, क्योंकि होली जैसे त्योहारों के मौके पर लोग बहुत ज्यादा गांजा और भांग का सेवन करते हैं, आने वाले 1-2 महीने के अंदर इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्किजोफ्रेनिया का शिकार हो जाएंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि इन दो बीमारियों का लिंक कितना स्ट्रांग है और क्या सच में इस तरह का कोई लिंक मौजूद है, तो इस वीडियो में इसी बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा और समझाऊंगा कि क्यों लोगों को भांग और गांजे का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इन सभी गांजा कंज्यूम करने वाले लोगों में जिनमें स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ता है कई वजहों से, और काफी ऐसे स्ट्रांग रीजंस हैं जिस वजह से बढ़ता है, और ऐसे में वो जिंदगी भर इस बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शायद जितना मजा इस होली पर किया हो शायद जिंदगी में दोबारा इतना मजा ना कर पाए। क्यों? क्योंकि स्किजोफ्रेनिया उनको कुछ भी एंजॉय करने नहीं देगा। स्किजोफ्रेनिया एक बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन होती है और किसी भी पॉपुलेशन के 1% लोगों में स्किजोफ्रेनिया पाया जाता है, मतलब दुनिया भर के सभी देश, सभी कल्चर्स में अगर जाएं तो 1% लोग ऐसे होंगे जिनमें स्किजोफ्रेनिया मिलेगा, करीब करीब 1%। किसी पॉपुलेशन में 2 भी हो सकता है तो किसी पॉपुलेशन में आधा प्रतिशत भी हो सकता है, पर मोटे तौर पर सभी देशों में, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, सब जगह यही परसेंटेज मोस्टली रिपोर्ट की जाती है कि करीब 1% लोगों में स्किजोफ्रेनिया मिलता है। अब स्किजोफ्रेनिया के काफी सारे कारण होते हैं, इनमें से मेन जो कारण होता है वो जेनेटिक होता है, मतलब कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से स्किजोफ्रेनिया होता है। मतलब भले ही स्किजोफ्रेनिया 17, 18, 20, 25 की उम्र में डेवलप होगा, पर इसके जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और तनाव के इम्पैक्ट में, स्ट्रेस के इम्पैक्ट में, जब एक किसी उम्र में जाकर ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो ऐसे में स्किजोफ्रेनिया का ट्रिगर होता है और पहला एपिसोड एक्सपीरियंस होता है। जेनेटिक रिस्क के अलावा यह भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर, स्पेशली शुरुआती 3 महीनों में, अगर एक गर्भवती माँ के पेट में इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई और ऐसे घातक वायरस का इन्फेक्शन हो जाए या न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, तो ऐसे में भी स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ता है। इसी के साथ बहुत कॉमनली एक कॉज देखा जाता है कि ड्रग यूज करने से, नशा करने से भी स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ता है। और ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग देखा जाता है जिससे कि स्किजोफ्रेनिया या साइकोटिक एपिसोड्स का रिस्क बढ़ेगा, वो होता है मैरिजुआना, मतलब
कैनेबिस, भांग, गांजा। बहुत सारे स्टडीज बताती हैं और कई सारे स्टडीज का निचोड़ ये बताता है कि जब स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में सब्सटेंस अब्यूज का रेट देखा जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि अक्सर ये लोग जो ड्रग लेते हैं और जिन्हें स्किजोफ्रेनिया है तो उनमें ज्यादातर लोग जो है वो कैनेबिस ही लेते हैं। मतलब या तो वो स्किजोफ्रेनिया से पहले लेते होंगे या क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं तो स्किजोफ्रेनिया होने के बाद भी वो ये ड्रग लेते रहते हैं। सो ऐसे में वैज्ञानिक काफी क्लियरली ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्किजोफ्रेनिया और कैनेबिस का स्ट्रॉन्ग लिंक है। ड्रग्स भले ही कोई भी ले पर ज्यादा परसेंटेज स्किजोफ्रेनिक पेशेंट्स में कैनेबिस कंज्यूमर्स का ही होता है। अब कुछ डॉक्टर, कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि स्किजोफ्रेनिया डेवलप होने के बाद इन्होंने शायद कैनेबिस लिया होगा, कैनेबिस इजीली मिल गया होगा, या कैनेबिस ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है इसलिए शायद स्किजोफ्रेनिक्स को भी आसानी से मिल गया होगा, और अपने सिम्टम से रिलीफ लेने के लिए, अपने डिल्यूजन्स को दूर करने के लिए, हेलुसिनेशंस को दूर करने के लिए शायद ये लोग जो है वो कैनेबिस का इस्तेमाल करते होंगे। पर जिस लेवल का इंसिडेंस मिलता है, जितना ज्यादा ये पाया जाता है कि सबसे ज्यादा जो कॉमन ड्रग है वो मैरिजुआना ही है, इसको देखकर थोड़ा डाउट आता है और ऐसा लगता है कि शायद स्किजोफ्रेनिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन मैरिजुआना से डेफिनेटली है। आफ्टर ऑल बाकी सारे दूसरे जो ड्रग्स हैं वो क्यों नहीं ज्यादा लेते हैं ये स्किजोफ्रेनिक पेशेंट्स? मतलब स्किजोफ्रेनिया का होना और कैनेबिस का एडिक्शन आपस में लिंक्ड है और ये वैज्ञानिकों ने हमेशा से देखा है। स्किजोफ्रेनिया और कैनेबिस के यूज में एक कॉमन कंडीशन है, या ये कहें कि एक कॉमन सिम्टम्स आते हैं जिन्हें हम साइकोटिक एक्सपीरियंसेस कहते हैं। मतलब कैनेबिस लेने के बाद, या कैनेबिस लेने का एक मेन मोटिव भी यही होता है लोगों का, वो ये होता है कि वो कुछ हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, वो रियलिटी से अपना कनेक्शन तोड़ के एक एक्सटेसी फील करना चाहते हैं। बहुत प्लेजेंट फीलिंग आती है कैनेबिस लेने के बाद जिसमें कि वो अपने को एक अलग दुनिया में उड़ता हुआ पाते हैं। एक्चुअल में उनको सेंसेशंस आती हैं जैसे कि वो उड़ रहे हैं, बह रहे हैं, उनका रियलिटी से कांटेक्ट छूट चुका है, उनको कई सारे विजन्स आते हैं, कई सारे ऐसे सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि रियलिटी में नहीं होते हैं। मतलब रियलिटी का उनका परसेप्शन बदल जाता है, अपने को शरीर से बाहर महसूस कर सकते हैं, अपने को हल्का महसूस कर सकते हैं, सारी स्ट्रेस चिंताएं दूर हो जाती हैं, पास्ट से कनेक्शन टूट जाता है, मूड बहुत अच्छा हो जाता है और कई घंटों तक ऐसा मूड बना रहता है। जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा ही एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, रोजमर्रा की जो चिंताएं हैं, उनसे दूर हटने का एक बहुत आसान अच्छा तरीका होता है कैनेबिस लेना, और कैनेबिस में ऐसे इफेक्ट्स आते ही हैं। तो ये जो साइकोटिक एक्सपीरियंसेस हैं ये कैनेबिस लेने के बाद के बहुत यूजुअल नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं, और स्किजोफ्रेनिया में भी इसी टाइप के सिम्टम्स आते हैं, हेलुसिनेट होता है, डिल्यूजन आते हैं, यही सब सिम्टम्स आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैनेबिस में एक कंपाउंड होता है THC, मतलब डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनेबिनॉल। ये कंपाउंड है जो कि साइकोटिक एक्सपीरियंसेस लाता है लोगों में। अब जिन लोगों को स्किजोफ्रेनिया है अगर वो कैनेबिस का कंजम्पशन करेंगे तो उनके साइकोटिक एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कैनेबिस जो है वो उन लोगों में डायरेक्ट इम्पैक्ट लाता है जिनको कि ऑलरेडी स्किजोफ्रेनिया है और उनके सिम्टम्स को बढ़ाने का काम करता है। तो ये भी एक ऑब्वियस लिंक है कि क्यों कैनेबिस जो है वो साइकोटिक एक्सपीरियंसेस को कॉज करने में भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों का जो एक्चुअल इंटरेस्ट है यहां पर वो ये है कि केमिकल लेवल पर ऐसा क्या होता है कैनेबिस लेने से, मतलब ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से साइकोटिक एक्सपीरियंसेस ही दिखाई देते हैं, कोई और एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं आते, किसी और टाइप का एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता? मतलब डायरेक्ट कनेक्शन केमिकल लेवल पर है तो हो सकता है कि जेनेटिक लेवल पर या न्यूरोकेमिकल लेवल पर स्किजोफ्रेनिया की फिजियोलॉजी और कैनेबिस की फिजियोलॉजी, इन दोनों में कोई ऐसा स्ट्रांग कनेक्शन हो जिसे कि कैनेबिस ट्रिगर कर देता है और स्किजोफ्रेनिया की तरफ एक आदमी बढ़ता चला जाता है। अब स्किजोफ्रेनिया जो है मोस्टली वो आदमी और औरतों में अलग अलग उसके डेवलपमेंट के पैटर्न्स होते हैं। मतलब लड़कों में, आदमियों में ये टीनेज में या अर्ली ट्वेंटीज में शुरू हो जाता है, जबकि लड़कियों में, महिलाओं में ये थोड़ा लेट ट्वेंटीज में डेवलप होता है या अर्ली थर्टीज में भी डेवलप हो सकता है। पर जो लोग मैरिजुआना लेते हैं या लगातार ले रहे हैं उनमें ये 3-4 साल पहले अर्लियर डेवलप हो सकता है। मतलब कि ऐसे अगर दो ग्रुप्स हैं, एक वो जिनमें बिना कैनेबिस के यूज के स्किजोफ्रेनिया डेवलप हो रहा है और एक वो ग्रुप है जिसमें कि स्किजोफ्रेनिया डेवलप हुआ पर वो कैनेबिस भी लेते थे, तो कह सकते हैं कि एवरेज एज जो है वो 3 साल पहले होगी उन लोगों में जो कि कैनेबिस का यूज ले रहे हैं। और क्योंकि स्किजोफ्रेनिया युवावस्था की ही बीमारी है, मतलब कहेंगे कि ये यंग एज में ही डेवलप होती है, अगर
अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो 15 से 30 साल का ये जो एज ग्रुप होता है ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है स्किजोफ्रेनिया डेवलप होने के लिए। मतलब अगर जीन्स होंगे मौजूद या कोई और रीजंस की वजह से अगर स्किजोफ्रेनिया डेवलप होना है तो 15 से 30 की उम्र में मैक्सिमम लोगों में स्किजोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है। एक एपिसोड या एक से ज्यादा एपिसोड आ चुके होते हैं और यही वो एज होती है, यूथ वाला यही वो ग्रुप होता है जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है कैनबिस कंज्यूम करने के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कैनबिस के यूज को लेकर काफी प्रिकॉशंस रखी जाएं और ध्यान दिया जाए कि कुछ लोगों में ये कैनबिस जो है वो स्किजोफ्रेनिया ला सकता है। स्पेशली तब जब आपके किसी फैमिली में अगर किसी को स्किजोफ्रेनिया है, जो पेरेंट भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, इनफैक्ट सेकेंड थर्ड डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, चाचा बुआ मामा दादा नाना नानी के लाइन पर भी कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको अगर स्किजोफ्रेनिया रहा है, तो ऐसे में तो कैनबिस कंज्यूम करते वक्त और भी सावधानी रखनी जरूरी है क्योंकि उसमें और भी ज्यादा रिस्क होता है कि कैनबिस की वजह से स्किजोफ्रेनिया आ सकता है। और जहां हम कहते हैं कि स्किजोफ्रेनिया 1% पॉपुलेशन में होता है, कैनबिस लेने वाले लोगों में ये परसेंटेज जो है ये 2-3% तक मिलता है। मतलब करीब दुगना या तिगुना रिस्क हो जाता है स्किजोफ्रेनिया डेवलप करने का अगर कैनबिस कंज्यूम किया जा रहा है। एक और बड़ी अजीब चीज यहां देखने में आती है कि जैसे बताया कि THC मतलब डेल्टा 9 tetrahydrocannabinol ये स्किजोफ्रेनिया को ट्रिगर करने का काम कर सकता है, वहीं एक दूसरा कंपाउंड होता है कैनबिस का ही जिसे कहते हैं कैनबिडायोल, जिसे CBD कहा जाता है, ये स्किजोफ्रेनिया को ठीक करने का काम भी करता है। कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो कि बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में की गई हैं, उसमें ये देखा गया है कि स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को जब कैनबिडायोल को जब दवा के फॉर्म में दिया गया तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के मुकाबले ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई उन लोगों में। तो कैनबिडायोल ये भी कैनबिस में मिलता है, THC ये भी कैनबिस में मिलता है। THC स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स ट्रिगर करता है, कैनबिडायोल जो है वो उसके सिम्टम्स कम कर सकता है, पर क्योंकि जो वीड स्मोक करने वाले लोग होते हैं, गांजा भांग लेने वाले लोग होते हैं, वो इसे अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी में लेते हैं और क्योंकि वो एडिक्ट हो जाते हैं इसलिए भले ही वो कभी किसी टाइम पर थोड़ी क्वांटिटी में भी ले रहे हो पर धीरे धीरे उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिस्क स्किजोफ्रेनिया डेवलप होने का हमेशा ज्यादा रहता ही है। लेबोरेटरी के अंदर दवा की फॉर्म में ये जब दी जाती हैं केमिकल्स तो वो काफी थेरेप्यूटिक या मेडिसिनल पर्पज पे दी जाती हैं, जबकि रेगुलर डेली लाइफ में जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं वो इसे अक्सर ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं, तभी इससे जो स्किजोफ्रेनिया का रिस्क है वो ज्यादा रहता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ये तो थेरेप्यूटिक होता है या कैनबिडायोल के प्रेजेंस की वजह से वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ये साइकोटिक एक्सपीरियंसेस डेवलप करने के। वो लोग कौन होते हैं जिन पर थोड़ा अमाउंट भी ज्यादा असर ला सकता है? वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें दो तरह के जीन होते हैं जो कि साइकोटिक एक्सपीरियंसेस लाते हैं। एक होता है AKT1 जीन और दूसरा होता है COMT जीन। COMT की फुल फॉर्म है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेस जीन। इन दोनों जीन्स के अगर वल्नरेबल वेरियंट्स किसी पर्सन में मौजूद हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, तो उन लोगों में कैनबिस लेने की वजह से स्किजोफ्रेनिया का रिस्क ज्यादा होगा। मतलब भले ही उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को कितना ही जस्टिफाई किया जाए, फिर भी कुछ लोग इस बात से चूक जाते हैं कि शायद उनमें वो जीन मौजूद होगा जिससे कि साइकोटिक एपिसोड आ सकता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे ये एक चार्ट है जिसमें बताया है कि जो लोग लगातार लंबे टाइम तक कैनबिस का यूज कर रहे थे, खासकर कि युवा लोग, एडोलेसेंट लोग जो कि करीब 18-25-30 साल की उम्र तक के लोग थे, इन लोगों में अगर AKT1 जीन का CC वेरिएंट मौजूद है, क्योंकि ये जो जीन होता है ये 3 अलग अलग फॉर्म्स में आता है, CC, CT और TT, जिन लोगों में CC वेरिएंट होता है उन लोगों में 7 गुना ज्यादा रिस्क होता है स्किजोफ्रेनिया डेवलप करने का, किनके मुकाबले जिनमें CT या TT वेरिएंट मौजूद होता है। अब जब आप कैनबिस कंज्यूम कर रहे हैं, आप थोड़ी क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स देख रहे हैं, आपको लग रहा है आज तक तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, कुछ बड़ा कुछ रिस्क हुआ नहीं, तो फिर अब कैसे होगा? और हो सकता है कभी आपने ज्यादा क्वांटिटी में भी लिया हो, पर रिस्क क्यों होगा आपके अंदर ज्यादा स्किजोफ्रेनिया डेवलप होने का जिसका आपको पता भी नहीं है? वो है आपके जीन्स की वजह से, और ये बहुत स्ट्रांग लिंक है। 7 गुना ज्यादा रिस्क होना बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ जो दूसरा जीन होता है COMT, वो आप देखेंगे उसके भी 2 वेरिएंट होते हैं, मेट और वेल वेरिएंट।
अगर आपको अपने पेरेंट्स से दोनों मेट वेरिएंट मिले हैं तो रिस्क कम है कि स्किजोफ्रेनिया डेवलप होगा कैनेबिस यूज की वजह से। पर अगर आपको अपने पेरेंट्स से एक एलील वैल वाला भी अगर मिल गया है, डबल हो या सिंगल हो, मतलब दोनों पेरेंट्स से आपको वैल वेरिएंट मिला हो या सिंगल पेरेंट से आपको वैल वेरिएंट मिला हो, तो आप में स्किजोफ्रेनिया का रिस्क ज्यादा रहता है। पर क्या आपको पता है आप में कौन सा वेरिएंट है? नहीं पता है आपको, क्योंकि आपने शायद अपनी कभी जीनोटाइपिंग कराई नहीं, आपने कभी अपना जेनोमिक एनालिसिस शायद कराया नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स में या आप में कौन सा ऐसा जीन है। तो मतलब एकेटी जीन के अंदर सीसी वेरिएंट का आना और सीओएमटी जीन के मामले में वेल वेरिएंट का आना आपके लिए खतरा देता है कि आपको स्किजोफ्रेनिया होगा अगर आप लॉन्ग टर्म कैनेबिस यूज करते हैं, लंबे टाइम तक भांग या गांजा कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में फाइनली क्या कहा जा सकता है? पहला कि कैनेबिस लेते बहुत लोग हैं और बड़ा आम बात होती है कि डॉक्टर या आसपास के लोग कहें कि भाई मत लो, ड्रग्स हैं, खराब असर आता है, लाइफ खराब हो जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं। यहां पर बात सिर्फ एडिक्शन की नहीं हो रही, जो लोग कैनेबिस या ये कंज्यूम करते हैं वो इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स के वजह से, या ये कहते हैं कि एडिक्टिव तो होता नहीं है, ये वो सब इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं और वो अक्सर लेते रहते हैं ऐसी रीजनिंग देके। पर अच्छा यही है कि कैनेबिस ना लिया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता आप में कौन सा जीन मौजूद है। कुछ लोग ही ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं स्किजोफ्रेनिया डेवलप करने के और वो हमें नहीं पता कि कौन लोग हैं। हाँ, अगर आपके फैमिली के अंदर किसी को स्किजोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर रहा है तो चांस ज्यादा है कि आपको भी स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, और ऐसे में तो बिल्कुल भी कैनेबिस नहीं लेना चाहिए, कैनेबिस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक और सजेशन दी जा सकती है कि एटलीस्ट टीनेजर्स को, या जो यंग एडल्ट्स हैं, करीब 25 से छोटी उम्र के जो लोग हैं जिनका ब्रेन अभी वैसे भी डेवलप हो रहा है, इमोशनली साइकोलॉजिकली पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, सही और गलत का डिसीजन लेने में पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, उन्हें एटलीस्ट दूर रहना चाहिए। हो सकता है आप लेना चाहें, आपको कुछ टाइम रुकना चाहिए, करीब 30-35 साल की उम्र तक आपको रुकना चाहिए अगर आप लेना भी चाहते हैं, या अगर आप अपने को रोक नहीं पाते हैं, या अगर आप किसी और ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि एटलीस्ट कैनेबिस लेने से आप थोड़ा बचें, क्योंकि यूथ में लंबे टाइम तक ज्यादा क्वांटिटी में या थोड़ी क्वांटिटी में भी कैनेबिस का कंजम्पशन स्किजोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए, जिन पर ध्यान रखना जरूरी है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे आने वाले खतरे को बचाया जा सकता है अगर थोड़ा सा साइंस को समझा जाए, थोड़ा सा अगर विज्ञान पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कैनेबिस और स्किजोफ्रेनिया के बीच कोई अच्छा संबंध नहीं है। ये क्यूरेटिव इफेक्ट नहीं लाता कैनेबिस, भले ही कोई भी रीजनिंग दें, आफ्टर ऑल जो डेटा है, जो साइंस है, वो यही बताती है कि स्किजोफ्रेनिया जैसी खतरनाक बीमारी जिंदगी भर परेशान कर सकती है अगर कैनेबिस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़े से लोग ऐसे हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, और वो थोड़ा परसेंटेज कितना है हम नहीं कह सकते कितना है, या आप में वो रिस्क है या नहीं, नहीं कहा जा सकता। खासकर होली जैसे त्योहारों पर तो इसे लेने से बचें, या कोई भी ऐसा दूसरा खुशी का मौका हो उसमें इस भांग को लेने से बचें। क्यों? क्योंकि खुशी के चक्कर में कहीं आप इसे ज्यादा ना ले लें, खुशी के सेलिब्रेशन के मूड में, जोश में आके कहीं आप इसका ज्यादा सेवन ना कर लें, कहीं एक बार का ज्यादा सेवन कहीं जिंदगी भर आपका दुश्मन ना बन जाए, आपके लिए जंजाल ना बन जाए। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतनी जरूरी है, चाहे होली का त्यौहार हो या कैसा भी ओकेजन हो। त्योहार खुशी मनाने के लिए होते हैं, ना कि बीमारियां बुलाने के लिए। स्किजोफ्रेनिया जैसी खतरनाक बीमारी को मोल लेने की बजाय बेहतर है कोई और जरिया ढूंढा जाए जिससे कि होली जैसे त्योहार मनाए जा सकें अच्छे से, सावधानी से और खुशी से, ताकि आप हर होली अपनी अच्छे से मना पाएं, हर होली आपकी उतनी ही खुशियों से भरी हो जितना कि आपकी पहले की होलियां थी या आज की होली है। तो होली हो या कोई भी त्योहार हो, नशे से जितना बचेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसके बहुत सारे दिमागी असर आते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।